तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन में डिस्पर्शन क्यों हुई? देखो जब व्हाइट लाइट आई सात रंगों में स्प्लिट क्यों हुई? क्योंकि सात रंगों की वेवलेंथ डिफरेंट होती है और वेवलेंथ डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। अब एक साइंटिस्ट था काउचीज ने एक रिलेशन दिया कि किसी भी ग्लास का प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इसके इक्वल होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस भी कलर का लैम्डा ज़्यादा होगा उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। हर कलर का म्यू डिफरेंट है, हर कलर की स्पीड डिफरेंट है, और कोई लाइट स्लो चल रही है, कोई फास्ट, कोई बहुत फास्ट, कोई बहुत फास्ट, तो इकट्ठी नहीं चल पाएंगी, तो आपको सात रंग दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके अंदर यही बता रखा है कि अगर आप इसमें रेड लाइट की बात करते हैं तो रेड का लैम्डा बड़ा होता है वॉयलेट से, ठीक, तो वेवलेंथ बड़ी होती है। तो अगर लैम्डा बड़ा होता है तो म्यू कम होता है, तो अगर लैम्डा रेड का बड़ा है तो म्यू कम है, और अगर म्यू कम है रेड का तो डेल्टा रेड का कम है, और अगर म्यू वॉयलेट का ज़्यादा है तो डेल्टा वॉयलेट का ज़्यादा है। तो इसलिए डेविएशन वॉयलेट की ज़्यादा होती है और रेड की कम होती है, मैथमेटिकली इसने प्रूव भी कर दिया। वैसे तो हमने डायग्राम देख ही लिया था पर मैथमेटिकली इस फॉर्मूले ने प्रूव कर दिया ऐसा क्यों होता है। क्लियर है, ये है कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो ये हमने कर लिया डिस्पर्शन ऑफ लाइट।